दोस्तों, बीकानेर फूड जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आए हैं जूनागढ़, जो कि बीकानेर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह जी ने करवाया था, तो चलिए आइए चलते हैं, हम देखते हैं इस फोर्ट को। प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। अगर आप प्राचीन संग्रहालय देखना चाहते हैं तो उसकी प्राइस है 30 रुपीज़, और विदेशी पर्यटकों के लिए फोर्ट की प्राइस है 300 रुपीज़ और प्राचीन संग्रहालय के लिए है 100 रुपीज़। शिव बगीचा है वो, देखिए राइट साइड में आपको दिख रहा है पुराना शिवलिंग, इसीलिए इस बगीचे को शिव बगीचा बोलते हैं। यहाँ राजा जी के पर्सनल हाथी, घोड़े और राजा जी के पर्सनल बॉडीगार्ड हुआ करते थे। सर यहाँ पर एक वीआईपी जेल है, सपोज राजा जी का मंत्री राजा जी से गद्दारी कर रहा है ना, उसको वहाँ उस वीआईपी जेल में रखा करते थे। आपको सीढ़ियाँ दिख रही है सर, उसके ऊपर एक कमरा दिख रहा है, उस वाली जेल को वीआईपी जेल बोलते। मान लो राजा जी का स्टेप ब्रदर हुआ, उनका मिनिस्टर हुआ, वो उनके अगेंस्ट हो गया, तो उसको राजा जी वहाँ शाही कैदी बनाएंगे रॉयल जेल में। सर एक बताते हैं, वो बड़ा दरवाजा दिख रहा है सर आपको, सर बड़े दरवाजे के पीछे वाला हिस्सा तो राजा जी के पर्सनल घोड़ों के लिए है। बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं, जो हाथी की जो केयर करने वाले लोग हैं वो तुरंत अपनी जान बचा लेंगे, हाथी बेकाबू हो गया। सर यहाँ राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो हाथी को भी बहुत गर्मी लगती थी, मई जून में भयंकर पसीना आता था। अगर हाथी के उन दीवारों से स्क्रैच करेगा ना, तो कुछ ही दिनों में दीवारें टूट जाएगी, भले ही मजबूत है। इसलिए सेंटर में आप देखो स्पेशल खुदरा दादर बना रखा है, यहाँ से दिखेगा। वीडियो में दिखाना, तो दिख रहा है सर खुदरा धरातल आपको, जो कि हाथी के स्पेशल स्क्रैचिंग के लिए, ताकि हाथी दीवारों को नुकसान ना पहुंचे, वहां स्क्रैच करते हैं। किलों की बात करो ना कि छोटे किलो, तो जितने भी राजस्थान के बड़े किले हैं, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, वो सारे के पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं दूर दूर तक तो पहाड़ नहीं है, तो एक बड़ा मैदानी किला, राजस्थान का सबसे बड़ा मैदानी किला है। इस किले की चारों ओर एक 25x30 फीट की गहरी खाई बना रही, जिसको बोलते हैं मोट। उस मोट के अंदर पानी भर देते थे, उस मोट के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ देते थे, उनको नॉनवेज वगैरह मीट वगैरह देते, तो किसी की हिम्मत नहीं होती इस किले को अटैक करने की। अगर वो खाई आप देखना चाहें तो किले का जो मेन गेट है, जहाँ से आपने एंट्रेंस किया था, वहाँ से वो खाई आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पर सर उसके अंदर आप मगरमच्छ नहीं, खाली पेड़। आप देख रहे हैं कि सोने का पेंट कर रखा है इसलिए किला है। आज से 250 साल पहले जब जन्माष्टमी आती थी, रानिया एक सुंदर सी भगवान श्री कृष्ण जी की पेंटिंग रखकर झूला झुलाती थी। जितनी भी कठपुतलियां आपको दिखाई दे रही है ना सर, सारी गोपियां तार से जुड़ी हुई है। तो झूले को झुलाने के लिए जो गोपियां ना तार से जुड़ी हुई है ना, कि मूवमेंट करती थी, जस्ट लाइक राइट एंड लेफ्ट मूव करती थी, डांस करती थी। सिर्फ 250 साल हो गए, तो ये सारी गोपियां क्या मूव कर टायर्ड हो गई है, अब ये आराम कर रही है। इनको आप आराम करने दीजिए, राम से राजा रानी को बैठ देख कर दो चार फोटो वोटो लेकर बाहर आते हैं। शीशे सर, बस एक शीशे का आगे एक ऑयल लैम्प जलाते थे, तो एक ऑयल लैम्प का प्रकाश होता तो बड़ी आसानी से आमने सामने टकरा जाता, समझ गए, क्रॉस लाइटिंग। दो रीजन है, फर्स्ट है रिफ्लेक्शन, सेकेंड है प्रोटेक्शन। मान लीजिए राजा जी यहाँ से अगर आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे कुछ गलत हरकत चल रही है, तो अलर्ट हो जाएंगे। तो दो रीजन, एक तो रिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा रोशनी, दूसरा प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए। और राजस्थान की सबसे पहली बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक लिफ्ट मैं बताने वाला हूँ, जो 1914 में महाराजा गंगा सिंह जी इंग्लैंड से लेकर आए। आपको दिख रही है लिफ्ट 1914 बिजली से चलने वाली,
डेट वर्किंग कंडीशन में थी सर, बहुत अच्छी तरीके समय के साथ खराब हो गई। ये सर वर्ल्ड का नंबर वन गिलास है, बेल्जियम गिलास। मार्बल आप देख रहे हैं इटालियन है, वुड आप तो देख रहे हैं वो फ्रेंच है, लेकिन फेस आप तो देख रहे हैं वो इंडिया से ऐसा है। ठीक है सर, ये सर बंदूक आप देखो, पूरी की पूरी 12 फुट लंबी बंदूक है, इसको 3-3 कंधों के ऊपर रखकर चलाते हैं। ठीक सर, इसमें 12 फिट लॉन्ग रहता है। सर गंगा सिंह जी का बड़ा फोटो, जिनके नाम पर श्री गंगानगर है, ये गंगा सिंह जी के बड़े भाई साहब डूंगर सिंह जी, जिनके नाम पर सर डूंगर कॉलेज है, ये गंगा सिंह जी की बच्ची चांद कंवर बाई साहब, इनके नाम पर एक अनाथालय है MS कॉलेज के ठीक सामने, चांद कंवर अनाथालय। ये गंगा सिंह जी के फादर हैं, इनका नाम लाल सिंह जी हैं, इनके नाम पर लालगढ़ पैलेस। तो स्कूल में जब आप पढ़ा करते थे तो एक वर्ड बहुत कॉमन था ना सर, कि एग्जाम में आपको तुक्का मार कराया, तो सर वो बड़े वाले तो तीर हैं आप जानते हैं ना, छोटे वाले तीरों को बोलते हैं तुक्का, मतलब लगा तो तीर है नहीं तो तुक्का, कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग बट अ स्मॉल एरर। तो सर 1937 में फॉल सीलिंग आ चुकी थी, तो एक मजबूत छत है, उसके बाद अलग से लकड़ी की छत, ताकि रूम गर्मियों में ठंडा भी रहेगा, सर्दियों में गर्म भी रहेगा। झूमर आप देख रहे हैं इटालियन मोरानो ग्लासेस, दीवारों का काम आप देख रहे हैं पूरा पत्थर का रखा है। मान लीजिए राजा जी युद्ध में जा रहे हैं तो 36 किलोग्राम का वो समय जब महाराजा गंगा सिंह जी के शासनकाल के पूरे 50 साल हो गए थे, उनका धूमधाम से बीकानेर में सेलिब्रेशन हुआ। तो मैं आपको 1957 के बीकानेर के यादगार फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, जिसमें जैसे बीकानेर का लोकल लैंडमार्क कैयम रोड, जो कि आजादी से 10 साल पहले ऐसा हुआ था, तो ये कैयम रोड का सीन आप देख रहे हैं। अगर उसके आप आगे जाते हैं तो आप देखिए 1937 में बीकानेर की गलियों में सोप ऑफ सुपरस्टार लक साबुन का है, 1937 महाराजा गंगा सिंह जी का सुरक्षा इंतजाम आप देखिए, महाराजा गंगा सिंह जी हाथी के ऊपर बैठे हैं, ये उनके सिमिलर फेस के बॉडीगार्ड हैं जो घोड़ों पर बैठे हैं, तो दो बॉडीगार्ड सिमिलर फेस ओरिजिनल महाराजा गंगा सिंह जी। इसमें देखिए सर बिजली के खंबे ऐसे हुआ करते थे 1937 में, तो आप देख सकते हैं बीकानेर काफी मॉडर्न हो चुका था 1937। तो महाराजा गंगा सिंह जी का बड़ा फोटो आपके सामने सर, एकदम मॉडर्न महाराजा थे, तो मॉडर्न यूनिफॉर्म, मॉडर्न ऑफिस का सामान, टेलीफोन, इंटरकॉम। आइए आपको मैं एक सूप पीने का चम्मच दिखाते हैं, सूप पीते टाइम राजा जी मुझे को बचाया जाता है। बीकानेर के एक लोकल कारीगर थे जिनका नाम था माला राव जी, उन्होंने आप देखिए बादाम के छिलके में भगवान श्री कृष्ण जी को मूर्ति बनाकर महाराजा गंगा सिंह जी को भेंट किया था। आफ्टर 47 के बाद माला राम जी को इस आर्ट के लिए राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। आपको दिख रहा है सर बादाम के छिलके में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति, आप भी देख लीजिए सर। एक राजा जी की मूछें आप देख रहे हैं ना, बड़ी है तो सूप पीने में थोड़ी सी मूछें उनकी भीग जाती थी, तो महाराजा गंगा सिंह जी बड़े ही स्मार्ट राजा थे, एक चांदी का चम्मच बनाते हैं, इसमें एक छोटा सा ब्लेड सेट करते हैं कि जैसे सूप ड्रिंक करेंगे जो मूछें भीग रही वो ब्लेड से थोड़ी सी उठ जाएगी, ब्लेड के नीचे एक होल बना देते हैं, होल से अपना सूप खींच लेंगे। देख लीजिए चम्मच आपको दिख रहा है चांदी का है, इसमें ब्लेड आपको दिख रही है, और ब्लेड के नीचे आप देखिए होल आपको दिख जाएगा सर, चम्मच दिखेगा, ब्लेड दिखेगा, होल दिखेगा, गौर से देख रहे हो, कितना भी गौर से देखिए सर सूप नहीं दिखेगा, खत्म हो गया।
से नहीं, क्या डाइनिंग हॉल देख रहे हैं, समय के साथ इसको क्या चेंज कर दिया, इसका कवर वगैरह चेंज कर दिया। सर बीकानेर की पोलो टीम आप जरूर देखिए, बीकानेर की पोलो टीम है, उसमें महाराजा गंगा सिंह जी कैप्टन थे पोलो टीम के। आसाम के जंगलों में जाकर गेंडे का शिकार किया था काजीरंगा में, जो कि अब नेशनल पार्क बन गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, गंगा सिंह जी भाग लेने के लिए गए थे, बड़ी ऊंचाइयों वाले, ठीक है सर। अब गंगा सिंह जी के बचपन के फोटोग्राफ निकालते हैं जो उन्हें महाराजा बना दिया। सर 7 साल के छोटे से बच्चे थे महाराजा गंगा सिंह जी, जिसका फोटो है 7 साल का, जब उन्हें महाराजा बना दिया। 1880 में जन्म हुआ था, 1880 में बॉर्न हुए थे, 1887 में he was become the king of the Bikaner। नीचे एरोप्लेन है, मैं दिखाता हूँ आपको। महाराजा गंगा सिंह जी बॉम्बे गए थे, गेटवे ऑफ इंडिया, बॉम्बे का फेमस जगह का सीन है, तो बॉम्बे द गेटवे ऑफ इंडिया। वर्ल्ड वॉर वन में यूज है, वहां से गंगा सिंह जी को ट्रॉफी के तौर पर मिला है। अंदर कैसा है सर ये आप जानना चाहेंगे, इसको टुकड़ों में खोल के लाए थे, टुकड़े लाकर जोड़ दिए। पालकी वो राजाओं के लिए, बंद रानियों के लिए, रानियों के लिए जालीदार पालकी, तो स्पेशली गर्मियों के लिए सर जालीदार, ताकि एयर का वेंटिलेशन बनता है, वो आप देख रहे हैं सर्दियों के लिए। आराम से देखिए, फोटो लीजिए। ये तो पालकी है, तो ये की डंडा है, इसको हाथी के ऊपर सेट करते हैं, नीचे आप देखते हैं रिंग्स लगे रखे हैं, ताकि अच्छे से इसको टाई ड्रॉप करते हैं बांध दे, सो टॉप ऑन द एलिफेंट, टॉप ऑन द सोल्ट। ये हमारे टूर गाइड हैं, आपके बारे में बताया सर। भंवर सिंह राठौड़ नाम है मेरा। बहुत ही शानदार, हमें हर चीज़ को अच्छी तरह से समझाया इन्होंने। जूनागढ़ फोर्ट देखने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आप अगर आए तो भंवर सिंह जी से मिल सकते हैं, या आपको अच्छी नॉलेज देंगे इस जूनागढ़ फोर्ट के बारे में। धन्यवाद।